नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। ठेकेदारों का आंदोलन, चुनावी बेला में सरकारी स्कूलों में मेंटेनेंस के लिए भुगतान की मांग। मध्य प्रदेश के रीवा और सतना जिलों में सरकारी स्कूलों के माइनर मेंटेनेंस और मेंटेनेंस वर्क के ठेकेदारों के बीच भुगतान के मामले में खिंचाई हो रही है। इन ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने काम पूरा किया है, लेकिन उनको अब तक उनका पेमेंट नहीं मिला है। इसके परिणाम स्वरूप वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए भोपाल में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार यह घटना मध्य प्रदेश के राजनीतिक मांग में एक महत्वपूर्ण विवाद का स्रोत बन गई है। यह समस्या उस समय उजागर हुई जब आचार संहिता के अंतर्गत चुनाव की तारीखों के पहले सभी संगठन और कर्मचारी अपनी मांगों को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर यह सवाल उठता है कि क्या ऐसे पेंडिंग पेमेंट के मामलों का समाधान चुनावी समय में हो पाएगा या नहीं। रीवा और सतना जिलों के ठेकेदारों ने अपने दुखद अनुभवों को साझा किया है और उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए आरोपों के मुताबिक वे स्कूल शिक्षा मंत्री और संबंधित अफसरों के पास अपने बकाया भुगतान के लिए दफ्तरों का चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा इन ठेकेदारों ने उच्चाधिकारियों के पास प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को मनवाने की मांग की है। सतना जिले के ठेकेदार सत्येंद्र कुशवाहा ने वीडियो के माध्यम से कहा है कि उन्होंने सतना, रीवा, सिवनी और विदिशा जिलों में सरकारी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों के माइनर मेंटेनेंस का काम किया था और इसके लिए उनको करीब 1,14,00,000 रुपए का भुगतान मिलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बताया कि 20 मार्च को बजट लैप्स होने के कारण उनका पेमेंट नहीं हुआ है, जबकि वे पहले ही बिल सबमिट कर चुके थे। सतना के ठेकेदार और उनके साथी ठेकेदारों ने कहा कि वे लगातार 5-6 महीनों से अपने पेमेंट के लिए भटक रहे हैं और इनमें कई लोग हैं जो अपने परिवारों को छोड़कर भोपाल आए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस प्रारंभिक दौर में भी ऐसा होता है तो आगे कैसे काम कर पाएंगे। इससे समय और धन की बर्बादी हो रही है और वे अपने बकाया भुगतान की मांग करते रह रहे हैं। इन ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री के नाम पर एक पत्र लिखकर अपनी मुश्किलात को बताया है। उन्होंने बताया कि उन्होंने रीवा और सतना के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में फरवरी 2023 को बिल लगा दिया था, लेकिन उनको अब तक पेमेंट नहीं मिला है। इन ठेकेदारों का कहना है कि उनका पेमेंट नहीं हुआ है और इसकी वजह से वे बहुत ही परेशान हैं। इन ठेकेदारों के अनुसार उनके पास अब तक बजट के तहत किए गए काम के 1,14,00,000 रुपए रुके हुए हैं। उन्होंने उन ठेकेदारों का नाम भी प्रस्तुत किया है जिनका कितना पैसा बकाया है और वे अब तक उनका भुगतान नहीं कर पाए हैं। सरकारी ठेकेदारों ने बताया कि वे अपने काम के लिए ब्याज पर पैसे लिए हैं और अब उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, जिससे वे बहुत ही परेशान हैं। इन ठेकेदारों का कहना है कि वे अपने परिवारों को छोड़कर भोपाल आए हैं और जब तक उनका पेमेंट नहीं होता है वे वापस नहीं लौटेंगे। इस घटना के बाद सतना और रीवा के ठेकेदार भोपाल पहुंचे और सरकारी अफसरों से मदद की मांग की है। वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए उच्चाधिकारियों से मिलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकारी अफसरों के पास एक दिलचस्प जवाब है और वे कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी मांगों को मनवाने के लिए ऊपर से फोन कराने की सलाह दी है। इसका मतलब है कि उन्होंने उच्चाधिकारियों से बात करने की सलाह दी है और उन्हें अपनी मांगों को मनवाने के लिए ऊपर से दबाव डालने की सलाह दी है। इस घटना से स्पष्ट हो रहा है कि चुनाव से पहले सरकारी संगठन और कर्मचारी अपनी मांगों को मनवाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयास कर रहे हैं और यह सामाजिक और राजनीतिक दिशाओं के साथ एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। सरकारी स्कूलों में हो रहे माइनर मेंटेनेंस और मेंटेनेंस वर्क के ठेकेदारों के पेमेंट के लिए हो रहे विवाद को लेकर सरकार को जल्द ही समाधान ढूंढने की आवश्यकता है। इसके बिना यह मुद्दा चुनावी समय में और बढ़ सकता है, जिससे सरकारी स्कूलों के मानचित्र में भी कई बाधाएं आ सकती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।